तो फाइनली इस हफ्ते दोस्तों कोई ना कोई इविक्ट जरूर होगा। जिस तरीके से 5 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिनमें जिग्ना से लेकर अनुराग, अनुराग से लेकर अंकिता, अंकिता से लेकर सनी, सनी से लेकर सना, ये सब लोग शामिल है, तो फाइनली वोटिंग ट्रेंड में कुछ गड़बड़ हुई है या फिर कह सकते कुछ हेरा फेरी हुई है, जिसके बारे में आप लोगों को बात बतानी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। चलिए आपको मैं बताता हूं कि आज का एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड, कि वोटिंग ट्रेंड के अनुसार कौन आगे है, कौन पीछे है और किसका पत्ता जो है वो कट होने वाला है। आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना। इसके साथ साथ मेरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया, आप चाहें तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं राहुल भोज कॉमेडी, तो आपको ढेर सारी वहां पे अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगी। अब 5 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। कल के दिन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भाई अनुराग को बहुत कम वोट मिल रहे हैं अंकिता के कंपेयर में। अंकिता नंबर 1 पर है, जबकि ये वही दौर था जब अनुराग नंबर 1 पे था। अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है, अनुराग और अंकिता एक साथ नॉमिनेट हुए थे एंड वहां पे दोस्तों अंकिता का दबदबा नहीं था बल्कि अनुराग भाई का था, और अभी जो है अनुराग का दबदबा नजर आ गया है। खैर, अब यहां पे चीजें जो हैं वो कुछ अलग तरीके से हैं। जिग्ना जी को सबसे कम वोट मिल रहे हैं, लोग दिल से चाहते हैं कि ये बंदी आउट हो जाए। मैं भी चाहता हूं, बिकॉज ये वो बोरिंग स्लॉट में आते हैं जो कि घर में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे, कोई मुद्दे नहीं, किसी के साथ कोई क्लैश नहीं है, किसी के साथ कोई इन्होंने स्टोरी नहीं डेवलप करी है, सिर्फ और सिर्फ चड्डी पे रोती रहती हैं ये, और यही कहती है कि अनुराग ने उनसे अरुण ने उनसे चड्डी साफ करवाई, जबकि उसके पीछे की क्या वजह है क्या नहीं है ये हम कल के रात के रिव्यू में बात कर चुके हैं। आपने नहीं देखा रिव्यू तो देख लो, बड़ा ही फर्स्ट क्लास है। अब उसके बाद एक ऊपर आते हैं, एक ऊपर कौन चाहते हैं लोग चाहते हैं कि सना इविक्ट हो जाए। सना और जिग्ना के बीच में, बॉटम के बीच में कंपेरिजन होगा ही होगा, बट सना की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है क्योंकि वो गेम अच्छा खेल रही है। जिग्ना जी गेम नहीं खेल रही तो डेफिनेटली उनका ही पत्ता कटेगा इस हफ्ते। थर्ड पोजीशन की बात करते हैं तो अनुराग डोबाल है। मैं हैरान हूं कि सनी को भी इतने वोट्स मिल रहे हैं जितने कि, मतलब अनुराग का सुन के मैं हैरान हूं, बिकॉज अनुराग तो अमेजिंग प्लेयर है, बट स्टिल यहाँ पे अनुराग को वोट जो है वो कम मिल रहे हैं। मैं हैरान हूं ऐसा कैसे हो गया भैया। तो अनुराग को कम वोट मिल रहे हैं दोस्तों एज कंपेयर टू सनी, और सनी जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। सनी कल भी सेकंड पोजीशन पे थे, आज ही, लेकिन सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अंकिता नंबर 1 पर है, और सनी और अंकिता के बीच में, मतलब कि अंकिता अगर 20 है तो सनी जो है वो 17-18 पे है। वक्त आने देर नहीं बदलेगी जब सनी की वोटिंग बढ़ेगी और वो अंकिता को सीधे टक्कर दे सकती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अब आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताना, और बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो आपका फेवरेट चैनल टेली खजाना। बाय बाय।